हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड आई थिंक बस मुझे इंडेक्स पेज में कैरोसेल को डिज़ाइन करना है और फुटर को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इंडेक्स पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर कुछ मिस हो रहा है जो मैंने डेमो वीडियो में बताया है और यहाँ पे वो नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे कैरोसेल वाला पार्ट बचा हुआ है एंड उसके अलावा फुटर बचा हुआ है, और हम चाहें तो यहाँ पे जो ऊपर लिंक्स हैं उस पर चाहें तो वही कर सकते हैं कि जो भी एक्टिव पेज है उसके बैकग्राउंड में कलर आ जाए। ठीक है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एडमिन अंडरस्कोर बेस के अंदर एंड एम्प्लॉय अंडरस्कोर बेस के अंदर। तो ठीक है, कैरोसेल भी हम कई बार स्टडी कर चुके हैं तो कैरोसेल का ऑलरेडी पहले से बना हुआ कोड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप फोर में जाते हैं, बूटस्ट्रैप फोर गेट स्टार्टेड। ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप फोर एंड आप W3 स्कूल में आ जाइए या तो फिर आप getbootstrap.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ W3school.com वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आपको कैरोसेल को सर्च करना है। ओके, तो कैरोसेल यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ बूटस्ट्रैप फॉर कैरोसेल। ठीक है, तो कैरोसेल होता क्या है? कैरोसेल एक स्लाइडर होता है, ठीक है, जिसमें आप देखते हो ये अपने आप इमेजेस चेंज होती हैं। तो इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप ट्राई इट योरसेल्फ में जाके इसको कॉपी कर सकते हो। आपको कॉपी करना है केवल ये डिव वाला पार्ट, आपको कॉपी करना है डिव स्टार्ट से लेकर डिव एंड तक। ठीक है, डिव स्टार्ट से लेकर डिव एंड तक मैंने कॉपी किया। मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ दूसरे प्रोजेक्ट्स में, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टाइप करके भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट में, जिम मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट में एंड जॉब पोर्टल वाले प्रोजेक्ट में। ओके, तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ कॉपी करके पेस्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये डिव स्टार्ट हो रहा है हेडर के बाद। ठीक है, हेडर में हमारा क्या था? नेविगेशन बार था एंड नेविगेशन बार के बाद एक बार मैं इसको रन करके भी देख लेता हूँ साइड बाय साइड। अभी तो खैर यहाँ पे जो इमेजेस आनी चाहिए वो नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ लाइन्स ही आ रही है, मतलब कैरोसेल आ चुका है बट इमेजेस वगैरह नहीं दिख रही है इस पर, क्योंकि इमेजेस तो हम अपनी यूज़ करेंगे। तो इमेजेस जो भी आप यूज़ करोगे वो आप कहाँ रखोगे? स्टेटिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैंने जो इमेजेस रखी हैं वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाके इमेजेस के अंदर रखी हैं। इमेजेस फोल्डर की जगह आप नाम कुछ दूसरा भी दे सकते हो, जो नाम दोगे वही आप कोड में यूज़ करोगे। तो ये मैं दो इमेज यूज़ करूँगा, 1.jpg एंड 2.gif। ठीक है, एक एनिमेटेड इमेज है और एक स्टैटिक इमेज है। ओके, तो ये इमेजेस के लिंक हमें यहाँ पे देने हैं। तो किस तरीके से आप लिंक देते हैं? आपको दो बार कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है एंड इसके अंदर आपको परसेंटेज सिंबल को यूज़ करना है। उसके बाद आप लिखेंगे स्टैटिक एंड सिंगल कोट के अंदर अब आप बताएंगे स्टैटिक फोल्डर के अंदर उसकी लोकेशन क्या है। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर अगर मैं देखूं तो इमेजेस फोल्डर है एंड इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरी जो इमेज है उसका नाम है 1.jpg। ठीक है, विथ एक्सटेंशन आपको देना है, इमेज का नाम नहीं, इमेज के बाद जो डॉट के बाद एक्सटेंशन है वो भी आपको देना है। ओके, तो ये तो हो गई पहली इमेज। अब इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी इमेज, मुझे केवल दो ही इमेजेस देना है। वैसे यहाँ जो कोड लिखा है वो तीन इमेजेस के लिए, आप चार इमेजेस भी डाल सकते हैं, पांच इमेजेस भी, बस आपको ये डिव से डिव तक कॉपी करके पेस्ट करना है। लेकिन मैं दो चाहता हूँ तो ये जो लास्ट वाला डिव है जिसमें कैरोसेल आइटम क्लास का यूज़ किया इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मेरी मेरी जो सेकंड इमेज है उसका नाम है 2.gif। ओके, तो करते हैं एक बार रिफ्रेश। तो यहाँ पे लिखा है इनवैलिड ब्लॉक टैग, डू यू फॉरगेट और रजिस्टर लोड दिस टैग। ठीक है, ये बता रहा है जो स्टैटिक होता है उसको आपने इंक्लूड नहीं किया है ऊपर, ठीक है, लोड नहीं किया है। तो वो आप कैसे करते हैं? उसके लिए आपको सबसे ऊपर जाना है। जब भी आप स्टैटिक को यूज़ करते हैं, ये मैंने स्टैटिक को यूज़ किया तो मुझे ऊपर लोड करना पड़ेगा स्टैटिक को, मतलब सबसे टॉप पे मैं क्या लिख दूंगा,
कर्ली ब्रैकेट परसेंट परसेंट एंड इसके अंदर लोड स्टैटिक, ठीक है। एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे दो इमेजेस मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। बट इनका साइज अभी प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसका साइज मैं चाहता हूँ कि इसका विड्थ तो 100% हो जाए, एंड हाइट अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विड्थ हम दे देते हैं और हाइट भी अगर आपको सेट करना है, कुछ इमेज बड़ी भी हो सकती हैं, कुछ छोटी भी हो सकती हैं, तो एग्जैक्ट साइज की आए। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाइट और विड्थ, हाइट तो दिया हुआ है, हाइट तो सही है 500 ही हम रख देते हैं, लेकिन विड्थ पूरा नहीं आ पा रहा है, पूरा फुल स्क्रीन नहीं आ पा रहा है, तो इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। 100% मतलब क्या होगा कि जो ब्राउज़र का पूरा विड्थ है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो विड्थ को मैंने कर दिया 100%, तो आप देखो ये 100% हो गया, ओके। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं, तो आप देखो यहाँ पे डिव ओपन किया है, लास्ट में हमने इसको क्लोज़ किया है। कैरोसेल बनाने का यही तरीका होता है, आप डिव ओपन करोगे एंड लास्ट में इसको क्लोज़ करोगे, एंड इसकी कुछ भी एक आईडी दोगे, ठीक है। कुछ भी आईडी दे सकते हो, माय कैरोसेल डेमो, ठीक है। तो जो आईडी आपने यहाँ पे दी है वही आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में यूज़ करोगे। अभी इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स मीन्स ये जो आप नीचे तीन लाइंस देख रहे हैं इसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ किया गया है, हम शायद यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में ये वर्क कर रहा है, ओके। ओके, तो हम वापस इसको अनऑर्डर्ड ही कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आईडी हमने यूज़ कर ली डेमो, तो ये आईडी हम यहाँ तो एक तो इंडिकेटर्स में यूज़ करेंगे एंड लास्ट में ये जो कंट्रोल्स रहेंगे, ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट का जो कंट्रोल रहेगा जिससे हम स्लाइड को मूव कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा कैरोसेल आइटम है, जो इमेज है, उसको हम स्लाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये एरो देख रहे हो, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में आप एरो देख रहे हो, एंड इसकी पोजीशन वगैरह सब अपने आप सेट होके आई है क्योंकि हमने ये सब क्लासेस इसमें यूज़ की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इस आईडी को यूज़ किया है, ओके। तो जो आईडी आप यहाँ पे दोगे डिव में वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। एंड इसमें क्लास यूज़ कर ली कैरोसेल और स्लाइड। स्लाइड से क्या रहेगा कि ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है, मतलब जैसे हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो एक मतलब उसका एक स्पीड है, पार्टिकुलर स्पीड में वो मूव कर रही है, तो उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप ये बनी बनाई क्लासेस देता है, ठीक है। एंड डेटा राइड में आपको कैरोसेल लिखना है, इंडिकेटर्स में आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करना है, उसमें आप क्लास बता दोगे कैरोसेल इंडिकेटर। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं उसकी पोजीशन अपने आप सेट हो जाएगी, कहाँ पे इसको दिखाना है, नीचे दिखाना है, तो वो हमने पोजीशन नहीं दी, वो क्लासेस के थ्रू हो गई। एंड उसके अंदर लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम मतलब कितने आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर्स लगाने हैं। हालांकि मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस हैं, तो दो इमेजेस पे तो ये वर्क कर रहा है, थर्ड वाला जो है कोई वर्क नहीं कर रहा, थर्ड वाली जो लाइन आ रही है उस पे कोई वर्क नहीं हो रहा क्योंकि इमेजेस मेरे पास अभी दो हैं। अगर मैं 10 इमेजेस यूज़ करूँगा तो इस तरीके से मैं 10 टाइम्स एलाई टेक को यूज़ करूँगा, ओके। तो एक मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी दो इमेजेस हैं। एंड यहाँ पे लिखा है डेटा स्लाइड टू 0, डेटा स्लाइड टू 1। इसका मतलब क्या है कि कौन सी इमेज पे हमें रिडायरेक्ट करवाना है। तो डेटा स्लाइड टू 0 मतलब पहली इमेज पे ये ले जाएगा, और डेटा स्लाइड टू 1 मतलब ये दूसरी इमेज पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। एंड पहले एलआई के अंदर आप देखेंगे कि क्लास यूज़ की है एक्टिव, तो एक्टिव क्लास यूज़ करने का मतलब है कि किसी एक को हमें एक्टिव रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले कौन सा एक्टिव आएगा, पहली इमेज हमें दिख रही है यहाँ पे क्योंकि ये एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव मतलब इसमें कलर भी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा हाईलाइटेड आ रहा है, ठीक है। अभी मतलब इस पे हैं हम, एंड इस पे क्लिक करूँगा तो अब ये हाईलाइटेड आ चुका है, ये एक्टिव हो गया। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्टिव रहेगा, पहला वाला। आप चाहें तो सेकंड वाले को एक्टिव करना चाहें तो इसको ये क्लास यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा सकते हैं सेकंड वाले में, ओके। एंड जो मेन आप इमेजेस देख रहे हैं वो इसके अंदर रहेगी, इस वाले डिव के अंदर,
ये हमारा स्लाइड शो रहेगा, ये कमेंट में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास डिव है, इसमें कैरोजल इनर क्लास का यूज़ किया है, एंड उसके बाद जितनी भी इमेजेस हम यूज़ करेंगे उसको एक डिव के अंदर रखेंगे एंड क्लास देंगे कैरोजल आइटम। ओके, तो जितनी भी इमेजेस आपको देनी है डिव के अंदर रखनी है एंड उसमें कैरोजल आइटम क्लास यूज़ करना है, एंड किसी एक को हमें एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो इमेज हमें पहले दिखानी है वेबसाइट लोड होते समय, तो मुझे पहली इमेज को पहले दिखाना है कि सबसे पहले ये इमेज आए, तो इसको मैंने एक्टिव कर दिया। सेकंड वाले में मैंने एक्टिव नहीं लिखा, किसी एक को एक्टिव करेंगे। ओके, एंड इसके अंदर हमने इमेज दे दी, इमेज SRC, इमेज का लोकेशन एंड अल्ट। आपको पता ही होगा कि इमेज अगर किसी रीज़न से लोड नहीं हो पाती है तो ये टेक्स्ट उसकी जगह लिखा हुआ आएगा, जैसे ये इमेज को हमने हटा दिया। ठीक है, ये लोकेशन हमने गलत दे दी या लोकेशन नहीं दी, कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको अल्टरनेट टेक्स्ट बोलते हैं। इसका यूज़ भी आपको पता होगा कि अल्टरनेट टेक्स्ट से हमें जस्ट एक आइडिया मिल जाता है कि किस चीज़ की इमेज यहाँ पे आने वाली थी, किस टाइप की इमेज आने वाली थी या किस पर्सन की इमेज आने वाली थी, तो वो हम यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं। जैसे हमने एलिफेंट की इमेज हमें दिखानी थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया एलिफेंट। ठीक है, अगर वो इमेज किसी रीज़न से लोड नहीं हो पाई तो यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ आ जाएगा एलिफेंट। दूसरे में टाइगर की इमेज है तो अगर वो लोड नहीं हो पाई तो यहाँ पे हमने टाइगर लिख के दिखा दिया। ठीक है, अगर इमेज लोड नहीं होगी तभी ये टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा। ओके, एंड विड्थ और हाइट यहाँ पे हमने सेट कर दी। उसके बाद लेफ्ट और राइट कंट्रोल्स। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट और राइट कंट्रोल्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हम स्लाइड कर सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट कंट्रोल्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करना है। एंकर टैग में आप क्लास यूज़ करोगे कैरोजल कंट्रोल प्रीवियस। ठीक है, ये क्लास यूज़ करने से क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो इस पोजीशन पे आएगा और ये प्रीवियस वाली इमेज को हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, पहले वाली को, एंड नेक्स्ट इमेज को डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे कैरोजल कंट्रोल नेक्स्ट। ओके, तो ये अपने आप इसकी पोजीशन सेट हो जाएगी। एंड HREF में आपको जो डिव आपने बनाया था टॉप पे, उसमें जो ID यूज़ की थी वही आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि हो सकता है आपने एक से ज़्यादा कैरोजल बनाए हैं एक ही पेज में, तो कौन से कैरोजल को ये स्लाइड करेगा वो इस ID पे डिपेंड करता है। अभी तो मैंने एक पेज पे एक ही कैरोजल बनाया है। एंड डेटा स्लाइड में आपको बताना है कि ये प्रीवियस इमेज को दिखाएगा या नेक्स्ट इमेज को दिखाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रीवियस है। ठीक है, इससे पोजीशन वगैरह सेट हो जाएगी, उसका स्टाइलिंग सेट हो जाएगी, एंड डेटा स्लाइड से बता देंगे कि प्रीवियस वाली इमेज को दिखाना है या नेक्स्ट वाली इमेज को। फिर स्पान के अंदर हम एक आइकॉन दे देंगे, कैरोजल कंट्रोल प्रीवियस आइकॉन, तो उससे ही आइकॉन आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे कैरोजल कंट्रोल नेक्स्ट आइकॉन, तो ये एरो जो है नेक्स्ट वाला है। ओके, तो ये हमारा हो गया कैरोजल का वर्क। हाइट विड्थ आपको सेट करनी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, एंड नीचे चाहें तो एक फुटर दे सकते हैं। ओके, तो एक फुटर बना लेते हैं, तो कमेंट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुटर स्टार्ट। आप चाहें तो फुटर को एक अलग पेज में भी रख सकते हैं अगर आपको मल्टीपल पेजेस में यूज़ करना है। ठीक है, जिसका नाम आप दे सकते हैं फुटर .html, बट मेरे को इसी पेज में चाहिए तो मैं इसी पेज में एक सिंगल बना लेता हूँ। ठीक है, आपको मल्टीपल पेजेस में यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, अलग से फुटर .html पेज बना के जिस पेज में आपको फुटर डालना है वहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, जैसे हमने इंक्लूड किया था हेडर को। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा फुटर एंड, एक सिंपल फुटर। ठीक है, जस्ट ब्लैक बैकग्राउंड दे देते हैं और एक कॉपीराइट का मैसेज दे देंगे। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं फुटर बनाने के, आप अपनी अपनी स्टाइल से बना सकते हैं, एंड काफ़ी कोड भी आपको मिल जाएंगे नेट पे। तो एक सिंपल में बना लेता हूँ, तो क्लास लगा दी कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर माइनस फ्लूइड, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिव रहेगा वो पूरा फुल विड्थ का आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें कुछ बैकग्राउंड में अगर कलर देना चाहता हूँ, पहले तो मैं इसके अंदर कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एंड अब मैं अगर रिफ्रेश करके देखूँ तो आप देखो यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ आ गया,
एंड इसको मैं किसी हेडिंग वगैरह के अंदर डाल देता हूँ एंड इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो H4 टेक का यूज़ कर लिया, H4 को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। एंड इसमें जो भी आपको H4 से उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। एंड सेंटर में करने के लिए आपको पता है टेक्स्ट सेंटर का आप यूज़ करोगे, टेक्स्ट सेंटर। एंड कलर को मैं चाहता हूँ कि वाइट हो जाए, वाइट तो अभी दिखेगा नहीं, हम बैकग्राउंड में ब्लैक कलर देंगे उसके बाद हम इसको वाइट करेंगे। ओके, तो ये आ गया ब्लैक कलर का। बट अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में कलर आ जाए कौन सा, ब्लैक, एंड फॉन्ट का कलर वाइट हो जाए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई थिंक टेक्स्ट डार्क, बीजी डार्क लिख देते हैं, बीजी माइनस डार्क। देखते हैं अगर इससे वर्क होता है तो ठीक है, नहीं तो हम CSS भी लगा सकते हैं। बट ये हाँ ये आ तो रहा है, इसका हाइट वगैरह थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टाइल लगा ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे CSS का यूज़ करते हुए इसका हाइट सेट कर दिया, हाइट कॉलन कर दिया मैंने इसका 150 पिक्सल। ओके, तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आ गया। ओके, जो टॉप पे कलर है वैसा ही यहाँ पे भी आ गया। एंड फॉन्ट का कलर अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वाइट हो जाए तो काफ़ी सही रहेगा, तो इसको हम वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट, वाइट या फिर लाइट, लाइट क्लास भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट लाइट। ठीक है, टेक्स्ट लाइट से भी वाइट हो जाएगा, और टेक्स्ट वाइट भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें अगर मार्जिन आ जाए टॉप से तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो मार्जिन दे देते हैं टॉप से 5। ओ, ये मार्जिन तो गलत जगह पे आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ब्रेक टेग लगा देता हूँ, ठीक है, या फिर आई थिंक पैडिंग से अगर होता है तो पैडिंग करके देख लेते हैं, पैडिंग टॉप से 5। ओके, सो पैडिंग से वर्क हो रहा है हमारा। ठीक है, पैडिंग का मतलब क्या हो गया, स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड बॉर्डर। ओके, तो ये जो बॉर्डर था उससे यहाँ पे स्पेस आ गया। ओके, एंड उसके बाद हम एक पैराग्राफ और बना लेते हैं नीचे। पैराग्राफ आपको अपने आप जो है लाइन ब्रेक प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हमें ब्रेक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग और पैराग्राफ लाइन ब्रेक प्रोवाइड करते हैं। तो टेक्स्ट सेंटर कर दिया, इसमें भी जो लिखेंगे वो सेंटर में आ जाए, और इसका कलर हम कर देते हैं प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी, मतलब थोड़ा ब्लू कलर टाइप का दिखेगा, टेक्स्ट प्राइमरी। एंड यहाँ पे मैंने कॉपीराइट का सिंबल बनाने के लिए क्या लिख दिया, M% कॉपी सेमीकोलन, तो इससे कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं लिखूँगा पंजवानी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फुटर, देख लेते हैं एक फाइनल लुक। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया, परफेक्ट है। एंड इसको अगर हम चाहें कि जिस लिंक पे हम जाते हैं वो हाईलाइटेड हो जाए बैकग्राउंड उसका, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडमिन अंडरस्कोर बेस में जाते हैं, एंड जैसा हमने यहाँ पर किया था इस तरीके से हमने कंडीशन लगाई थी, शायद ये कंडीशन हम वहाँ भी लगा पाएँ। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे कहाँ पे मैंने लिंक्स बनाए थे, हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर बनाए थे, तो हम हेडर के अंदर जाते हैं। ठीक है, हेडर के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे जो लिंक्स हैं, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, ये पूरा पेस्ट कर लेते हैं पूरी लाइन। इफ़ कंडीशन से हमने कंपेयर किया, अगर जो रिक्वेस्ट डॉट पाथ है वो इसके इक्वल है, ठीक है, मतलब करंट जो पेज है उसका URL से हम कंपेयर कर लेंगे, एंड रिक्वेस्ट डॉट पाथ हमें करंट URL ही देता है, तो दोनों करंट URL जो हमने खुद लिखा है मैनुअली और एक रिक्वेस्ट डॉट पाथ से मिलेगा, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो हम एक एक्टिव क्लास अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे तो एक्टिव क्लास अपने आप पहले से बनी हुई थी, बट वहाँ पे एक्टिव क्लास हमें बनानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया,
अब यहाँ पे इस लिंक को मैं देख लेता हूँ, ये है हमारा इंडेक्स। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक्टिव क्लास यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पाएगी, ये क्लास हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, एंड क्लास हम बना लेते हैं एम्बेडेड वाले मेथड से। ठीक है, तो कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन स्टार्ट होने से पहले मैं क्लास बना लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो क्लास यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, या फिर मैं माई स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर भी लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि ऑलरेडी सी एस एस के लिए हमने अलग से पेज बनाया हुआ है, तो हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम माई स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाते हैं, माई स्टाइल। तो माई स्टाइल हमें मिलेगा सी एस एस फोल्डर के अंदर। ठीक है, पहले हम एक बार लगा के देखते हैं, एक्टिव यहाँ पे वर्क नहीं करेगा जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो एक बार इसको हम नीचे भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यूआरएल अगर बात करें तो यहाँ पे यूआरएल क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन। तो कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है शायद, HREF। ठीक है, हमें इतना कॉपी करना था। ठीक है, ये पार्ट हमने हटा दिया, एंड यहाँ पे यूआरएल दे दिया रजिस्ट्रेशन, एंड इसको हम स्लेश भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे हम जाते हैं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है, तो यहाँ पे कोई कलर वाला नहीं आया। तो मैं एक एक्टिव क्लास बना लेता हूँ माई स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। तो मैंने लिखा डॉट एक्टिव, एंड जो भी बैकग्राउंड कलर आपको देना हो, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन। अब जो भी कलर वहाँ पे सूट करेगा, अभी आपको समझाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा, इसको चेक कर लेते हैं। स्लेश रजिस्ट्रेशन स्लेश, मतलब एक और स्लेश लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, एक और स्लेश लगाते हैं, एंड अब इसको रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक अभी भी वर्क नहीं कर पा रहा। फिर से कंट्रोल फंक्शन F5 दबाते हैं। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ गया। तो कभी कभी हमें हार्ड रिफ्रेश करना पड़ जाता है, तो वो आप कैसे करेंगे? कभी कभी आप क्या सी एस एस अप्लाई करते हैं बट वो दिखता नहीं है, तो उसके लिए आपको हार्ड रिफ्रेश करना पड़ता है, और वो होता है कंट्रोल फंक्शन F5 के थ्रू। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल रिफ्रेश नहीं किया, मैंने हार्ड रिफ्रेश किया कंट्रोल फंक्शन और F5। ठीक है, मतलब कंट्रोल और F5 प्रेस किया। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ स्टाइल दे सकते हैं, जैसे इसका बॉर्डर है वो राउंडेड आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये बॉर्डर थोड़ा सा राउंडेड हो गया, तो जितना भी आपको देना हो 10 पिक्सल 50 पिक्सल, तो मैंने इसको कर दिया 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये इस तरीके से राउंडेड हो गया। तो यही वर्क हमें करना है सभी लिंक्स में। तो यहाँ पे आते हैं, अब इंडेक्स वाले पेज को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आ गया। इंडेक्स वाले पेज में हमने केवल स्लेश लगाया, क्योंकि इंडेक्स वाले पेज में आप देख रहे हैं आगे तो कुछ है ही नहीं, तो आप स्लेश लगा दोगे जस्ट।
एंड सिमिलरली एम्प्लॉई लॉगिन के लिए, एंड एडमिन लॉगिन वाले में हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब वो नेविगेशन तो हट ही जाता है। ठीक है, तो बस इस पे हमें लगाना है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा डबल कोड क्लोज हो जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे कुछ हमने मिस्टेक कर दी आई थिंक। कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज इफ रिक्वेस्ट डॉट पाथ इक्वल टू रजिस्ट्रेशन एक्टिव एंड यहाँ पे ईएमपी अंडरस्कोर लॉगिन को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको डबल कोट्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, क्लास के अंदर हमें लिखना है, ठीक है, क्लास इक्वल टू करके यहाँ पेस्ट कर दिया और फिर रिफ्रेश किया, तो आप देखो करेंट वाला जो पेज है उसमें ये बैकग्राउंड कलर आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वर्क प्रॉपरली। और भी स्टाइलिंग आप अपने से गेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इमेज लगानी हो साइड में तो इमेज भी दे सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप इसका सोर्स कोड बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोस्ट मेरी वेबसाइट पे दिया है। एंड सोर्स कोड के साथ अगर रिपोर्ट पीपीटी परचेस करना चाहते हैं तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत ही जल्दी हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो जेंगो पे एक और नया प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि हम इसी तरीके से आगे और प्रोजेक्ट्स बनाते जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।